आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को 2022 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं चुनावी सफर पर निकला था भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से। मैं भोगनीपुर चौराहे से निकला तो मुझे सूत्रों से खबर लगा कि यहाँ पर कुछ बीजेपी की तरफ से रैलियाँ निकल रही हैं। तो उस रैली में हमें पता लगा कि हमारे यहाँ के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रबल प्रत्याशी, हम भी कहेंगे कि प्रबल प्रत्याशी भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल सिंह भदौरिया जी से हमारी मुलाकात होने जा रही है। हम कुछ बात कर लेते हैं। धर्मपाल भदौरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मपाल भदौरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हम बात कर लेते हैं भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से कर्मठ समाज सेवी, जन जन में व्याप्त, जो कि जनता के बीच हमेशा फील्ड में रहते हैं, उनके दुख तकलीफों को सहन करते हैं, परेशानियों को देखते हैं, रात हो या दिन हो जन जन की सेवा करते रहते हैं। धर्मपाल सिंह भदौरिया जी, जो कि भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं बनने वाले विधायक जी से। धर्मपाल सिंह भदौरिया जी, आपका भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतने की हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भदौरिया जी, आप हमें ये बताएं कि आपने जो आज रैली निकाली है, आपके सहयोगियों ने, इसमें कितनी जनसंख्या थी? लगभग 5-7 हज़ार के बीच में लगभग रही होगी जी। सर, जैसे इसमें लोग कहते हैं कि आपके अलावा भी बीजेपी की तरफ से कई कैंडिडेट हैं भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से, इस पर आपकी क्या राय है? टिकट मांगने का तो अधिकार सबको है जी। पार्टी से टिकट पार्टी कार्यकर्ता है जी। हर पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ उम्मीदें होती हैं कि पार्टी से जी भोगनीपुर से टिकट मिले या किसी भी विधानसभा से टिकट मिले, हर कार्यकर्ता चाहता है जी। लेकिन निर्णय पार्टी को लेना रहता है जी। पार्टी जैसा मेरे इस समय संज्ञान में है कि 2022 के चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है जी, और इस पर पार्टी बहुत ही गहन मंथन कर रही है जी। शीर्ष नेतृत्व बहुत मंथन कर रहा है जी। अपने स्तर से गांव-गांव जाके सर्वे चल रहे हैं जी। और वो सर्वे एक प्रकार से नहीं चल रहे हैं बल्कि कई प्रकार से वो सर्वे करा रहे हैं जी। सर्वे में वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि कौन सा उचित प्रत्याशी रहेगा जी, जिसको उचित समझेंगे उसको वो पार्टी की टिकट देंगे जी। बाकी जिसको भी मिलेगी उसके साथ मैं तन मन धन से तैयार हूँ, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। सर, आप जन सेवा के लिए जाने जाते हैं, कर्मठ समाज सेवी हैं, बीजेपी के कर्मठ सिपाही भी हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो हमें जरा आप अपने 5 मोटे काम बताएं जनता के लिए, जो भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामी ग्रामी काम होंगे आपके हाथों से, शुभ हाथों से। सबसे पहला जो हमारा विशेष ध्यान रहेगा वो हमारी भोगनीपुर की जनता के किसानों के प्रति रहेगा जी, जो हमारे किसान भाई हैं। बहुत बढ़िया, तालियां। उनको हम देखते हैं कि समस्याएं आती हैं जब गेहूं क्रय केंद्र खुलते हैं जी। गेहूं क्रय केंद्र जब सरकार खोलती है, अच्छा भाव देती है जी, तो हमारे किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कई कई दिन क्रय केंद्रों पे खड़ा रहना पड़ता है, दो रातें उसमें। इस विषय पे हमको विशेष ध्यान देना है। जैसे धान के क्रय केंद्र इस समय चल रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त हुई है कि धान के क्रय केंद्र में भी व्यापारी हमारा किसान भाई परेशान रहता है। खाद टाइम से मिलनी चाहिए, खाद का उचित मूल्य किसान को देना मिलना चाहिए, पानी की सुविधा बुआई के टाइम पे होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, जो किसान की मूलभूत जरूरतें हैं इन पे हमको विशेष ध्यान देना है। नंबर एक प्राथमिकता तो हमारी सबसे पहले किसानों की प्राथमिकता। दूसरा सवाल क्या सर? दूसरा प्रश्न, इस विधानसभा में जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जमुना तलहटी है जी, यहाँ हमारे निषाद भाई काफी तादाद में हैं, कई गांव हैं जी। इन निषाद भाइयों के लिए आना जाने की सुविधाएं दिक्कत होती है जी, इनकी भी समस्या को दूर करना हमारा प्रबल काम है जी। तीसरा जो ये जो आपने पूछा अभी, ये
गौ वंश पे हमने सवाल किया था जनता से, अब हम आपसे पर्सनली सवाल करते हैं कि इसमें जनता का काफी रोड पर जब गाय बैठ जाती है तो उसे एक्सीडेंट होता है, प्लस किसानों का रात रात भर जगना होता है, वो भी परेशानी है। अगर बीजेपी की दोबारा सरकार बनती है 2022 में तो इसको खूंटे से बांधने का ऐसा कोई प्रयास किया जाए, जो जनता का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता का कहना है कि खूंटे से बांध कर इसकी हत्या को भी रोका जाए और खूंटे से बांधने का प्रयास किया जाए जिससे कि जनता का भी फायदा होगा और गौवंश की सुरक्षा भी होगी। सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है, पूरे प्रदेश में बड़ी भारी मात्रा में गौशालाओं को निर्माण भी चल रहा है और चालू भी हो गए हैं जी, और प्रधान स्तर से इसका निधि भी आ रही है जी। इस पे भी हमको विशेष ध्यान देना है कि गाय अपनी जो भी हैं आवारा जानवर जिनको कहते हैं इनको मवेशी खानों में होना चाहिए, गौशालाओं में होना चाहिए, ये भी एक किसान की बहुत बड़ी है जी, जिसको भी दूर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी जी। और दो सवाल हो गए, तीसरा सवाल चिकित्सा से है जी। हालांकि प्रधानमंत्री योजना आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क इलाज की व्यवस्था दी जा रही है, दी है, बना हुआ है, दी है, और काफी बड़े पैमाने पे उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है जी। उस विषय पे भी जो छूटे हैं उनके भी पर ध्यान जी। प्राइमरी जैसे PSC खुले हुए हैं, PSC में डॉक्टर सुनते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं आते हैं, गाँव के लोगों को आवाजमन में दिक्कत है, दूर PSC पर भी व्यवस्था की जाएगी, इस पे भी व्यवस्था। चौथा तो शिक्षा के मामले में जी, बहुत शिक्षा के मामले में हम बहुत बढ़िया सर देखते हैं कि कई जगह महाविद्यालय नहीं है, कई जगह इंटर कॉलेजों का अभाव है, लड़के तो से चढ़ के अपना शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही अहम समस्या रहती है दूर जाना, तो इस पे भी हमारा विशेष ख्याल रहेगा जी। पांचवा सर, चार हो गए, पांचवी सड़क का आवागमन, जैसे हमारे सड़कों में जहाँ पे टूटी गांठी है इन पे भी ध्यान देना है, इनको निर्माण में गति प्रदान करना है। धर्मपाल सिंह भदौरिया जी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दोबारा भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल सिंह भदौरिया जी की जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मपाल भदौरिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मपाल भदौरिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से भोगनीपुर चौराहे से कानपुर देहात डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।